ग्रोसरी पढ़ लो। अच्छा कल वो सवाल मैंने किया था बोर्ड पे, फेयरवेल थ्रू पीएनएल, फेयरवेल थ्रू ओसीआई और अमॉर्टाइज कॉस्ट, फाइनेंशियल एसेट्स खत्म। मैं एक ना क्विक सी समरी बताता हूँ ताकि रिकॉल हो जाए सारा। फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन पड़ी थी, क्लासिफिकेशन को पहले दो शाखों में बांटा था, वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं उनकी दो क्लासेस हैं, फेयरवेल थ्रू ओसीआई, फेयरवेल थ्रू पीएनएल, और वो एसेट्स जो दूसरे की लाइबिलिटी हैं उनकी तीन क्लासेस हैं, एमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। क्लासिफिकेशन का फैसला ऐसे होता है कि अगर वो एसेट्स जो दूसरे की लाइबिलिटी हैं उनकी पहली क्लास है एमोर्टाइज कॉस्ट, दो शर्तें हैं, होल्ड करना हो टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई उसकी भी यही दो शर्तें हैं लेकिन उसमें होल्ड करने के साथ साथ अच्छा मौका मिले तो बेचने का भी इरादा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ये है कि या तो कहीं और दाखिला ना मिला हो या फिर इनिशियल रिकग्निशन पे इरिवोकेबल फैसला किया हो कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ये होंगी क्लासेस। फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई शेयर्स के लिए सिर्फ तब अगर हेल्प और ट्रेडिंग ना हो और दूसरा इनिशियल रिकग्निशन पे इरिवोकेबल इलेक्शन किया हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फिर पड़ी थी मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, अगर क्लास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या अमोर्टाइज कॉस्ट है तो इनिशियली एसेट रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास है तो फिर फेयर वैल्यू। फिर इसमें एक्स्ट्रा बातें ये लिखवाई थी, एक ये कहा था कि जनरली जो खरीदना बेचना सवाल में बताया होता है वो बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू ही है, अगर फेयर वैल्यू से डिफरेंट बेचा खरीदा है तो वो डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। फिर एक बात ये बताई थी कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे अगर रखना हो तो फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे, और कल उसी में एक पॉइंट लिखवाया था कि जो डेटर्स हैं, यूनी में लिखवाया था, जो डेटर्स हैं उनको इनिशियली किस पे मैयर करना है, हैं तो डेटर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेकिन उनको इनिशियल किस पे मैयर करना है ये आईएफआरएस 9 ने नहीं बताना, ये आईएफआरएस 15 बताएगा। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट मैयरमेंट पड़ी थी, सब्सिक्वेंट मैयरमेंट वो ऐसे जो दूसरे की लाइबिलिटीज हैं उसमें अमोर्टाइज कॉस्ट, उसमें एक टेबल बनता है। इनिशियल रिकॉर्डिंग के बाद हर साल के एंड पे दो काम, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, उसमें यही सब काम होते हैं, एक एक्स्ट्रा काम होता है इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं, उसके लिए एक नया टेबल सिखाया था जिसमें अमोर्टाइज कॉस्ट वाली फिगर को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है, जो डिफरेंस होगा वो फेयर वैल्यू रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और उस रिजर्व में जो भी चेंज आएगी वो ओसीआई की आइटम होगी। और फिर फाइनली जब बिल्कुल आखिर में एसेट या तो खत्म हो रहा होगा या बेच रहे होंगे तब भी उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, और ये जो बेचना या खत्म करना है ये आपसे टेस्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल था, उसमें ये है कि ना कोई इफेक्टिव रेट ना कोई टेबल, सिर्फ जितना कूपन मिलता जा रहा है वो कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट है, और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते जाना है, और जो भी फेयर वैल्यू गेन लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा। फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराई थी, और ये मुझे ऐसे लग रहा था ड्रामे की आखिरी किस्त होती है ना, तो वो सारी कहानी इसमें सुनाते हैं, तो मैंने आपको आखिरी किस्त में सारी कहानी सुना दी। अब इसमें एक सवाल पहले ज़बानी ज़बानी और करते हैं, फिर मैं आपको लाइबिलिटी पे ले आता हूँ। ज़बानी ज़बानी सवाल में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 254 क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए।
हाँ जी पढ़ लिया तो मैं डिस्कस करूँ। चले पढ़ लिया। ये ना एक टेबल बना हुआ है जिसकी कोई बहुत ज्यादा सेंस समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अकाउंटेंट ने अभी नया नया ज्वाइन किया है और उसने एक समरी बनाई है। अब इसमें क्लासेस के नाम लिखे नजर आ रहे हैं, ये जो आपको कॉलम की हेडिंग्स हैं टेबल के अंदर, और ये जो रो हेडिंग्स हैं, टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है कि बिजनेस मॉडल के बारे में इन तीनों में क्या क्या करना है, या इन तीनों से क्या क्या रिलेटेड है, या इन तीनों में बिजनेस मॉडल के से क्या मुतालिक बात बनती है, वो इन तीनों कॉलम में लिखी हुई है। इसी तरह कैश फ्लो से रिलेटेड इन तीनों में क्या रिलेटेड बात बनती है वो लिखी हुई है। कैटेगरी से रिलेटेड इन तीनों कॉलम में क्या रिलेटेड बात है वो लिखी हुई है। अब इसमें अगर कुछ गलतियां हैं, जरूरी नहीं कि सब गलत हो। ही हैज रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द फॉलोइंग और रिक्वायर्ड है कि इस समरी को ठीक कर दें। हो सकता है किसी सेल के अंदर सही भी लिखा हो, लेकिन जिसमें गलत लिखा हमने उसको ठीक करना है। जैसे बिजनेस मॉडल क्या होता है, वैसे पूछ रहा हूँ। बिजनेस मॉडल इस चैप्टर में कहाँ क्या पढ़ा है? वो कंडीशंस होती थी, उनमें एक बिजनेस मॉडल था कि शर्त थी कि बिजनेस मॉडल वो फॉलो होता हो जिसका ऑब्जेक्टिव टू होल्ड एंड कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का होल्ड भी और सेल भी। तो इन्होंने कहा है कि आप इन तीनों क्लासेस से रिलेटेड बिजनेस मॉडल बताएं कि क्या क्या बिजनेस मॉडल हुआ करता है। एमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो करनी हो तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? होल्ड टू कलेक्ट बस। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। तो ये जो होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल पहले में लिखा हुआ है ये गलत है, और जो होल्ड टू कलेक्ट दूसरे में लिखा है वो भी अधूरा है। तो पहले में आना चाहिए बस होल्ड टू कलेक्ट, और दूसरे में आना चाहिए होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में ना, इसमें मेरे ख्याल में एग्जामिनर इसकी जगह कोई और आंसर भी एक्सेप्ट कर सकता था, मुझे लगता है। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल के अंदर अगर डिबेंचर्स वाली ये क्लास है, डिबेंचर्स वाली, तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं इसमें? या तो नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है तो फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में कब आएंगी? जब या तो कोई एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी, या कंडीशंस हो रही होंगी, खुद ही इनको इस क्लास में रखा होगा। इससे ना कहीं ये साबित नहीं हो रहा कि इनको हमने बस बेचना ही है, क्योंकि अगर होल्ड करना नियत है, कैश फ्लोस कलेक्ट करना नियत है, फिर भी हमारी मर्जी है फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल पे आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हमने बेचने के लिए रखे हैं वो? नहीं। तो इसलिए इसमें इसी तरह का वर्ड लिखना जरूरी नहीं बनता। मुझे नहीं पता चल रहा मैं आपको क्या समझा पा रहा हूं। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में ये जरूरी नहीं है कि होल्ड टू सेल ही तक हमें बाउंड रहना पड़े। इसमें यह भी लिखा जा सकता था कि होल्ड टू सेल एंड कलेक्ट भी हो सकता है, और इनिशियल रिकग्निशन भी हो सकती है। ऐसा भी कुछ डब्बे में लिखा जा सकता था। आईकैप के आंसर ने तो उसमें होल्ड टू सेल लिखा हुआ है, यानी जो इस वक्त होल्ड टू सेल दिया हुआ है ना आईकैप के सोल्यूशन में, तो कहा है कि हाँ ये होल्ड टू सेल ही होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इससे इतना इतफाक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि होल्ड टू सेल होते हैं, ये होल्ड टू कलेक्ट भी तो हो सकते हैं, और खुद हमने इसको बस नियत करके इसको यहां रखा हो ये भी तो हो सकता है। तो होल्ड टू पी एंड एल इसका बिल्कुल सही आंसर हो ये मुझे दिल को इतना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि सवाल से लग रहा है कि जवाब इन्हीं के अंदर अंदर देना था, तो उनमें से फिर ये होल्ड टू सेल ही ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये मैं सवाल के कॉन्टेक्स्ट को देख के फैसला करूं और आईकैप के सॉल्यूशन को देख के फैसला करूं कि शायद एग्जामिनर ये चाह रहा था कि इन्हीं अल्फाज में रहना है, लेकिन मैं अगर स्टूडेंट बन के पेपर सोचूं तो मैं इसको सिर्फ होल्ड टू सेल तो ना लिखता, मैं इसके बारे में पूरी तफसील लिखता कि ये होल्ड टू सेल होल्ड टू कलेक्ट भी हुआ करता है और इसके बगैर भी हुआ करता है। तो इसलिए इसके आंसर में सिर्फ होल्ड टू सेल आना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसको कमजोरी समझ के सवाल की ऐसे ही मान लेते हैं कि होल्ड टू सेल है, लेकिन मैं इस जवाब पे इतना ज्यादा नहीं हूं मुतमईन। होल्ड टू सेल इन्होंने सोल्यूशन में फिर भी सिर्फ इसलिए लिख लिया कि ये बात सिर्फ डिवेंचर्स की थोड़ी कर रहा है। क्या ये सवाल सिर्फ डिवेंचर्स का है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आगे बाकी लाइनों के अंदर इक्विटी सिक्योरिटीज का भी जिक्र आ रहा है, यानी ये ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा है। तो अगर हमने शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल पे रखे हैं तो शेयर्स तो बेचने होते हैं, उनका कौन सा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना होता है। तो शायद शेयर्स के हवाले से इसको होल्ड टू सेल लिख दिया, लेकिन डिवेंचर्स के हवाले से सिर्फ होल्ड टू सेल कहना ठीक नहीं था। तो फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल का जवाब को बहुत अच्छा जवाब नहीं है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इसमें मल्टीपल जवाब भी एक्सेप्टेबल हो सकते थे। अगली लाइन पे आते हैं जी। नहीं, ये तो मुझे सोल्यूशन देख के लग रहा है ना शायद एग्जामिनर ने इन्हीं अल्फाज को खिलाफ। फिर मैं वही समझा रहा हूं ना कि इसका लंबा चौड़ा आंसर होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था,
क्योंकि होल्ड टू सेल और कलेक्ट भी तो हो सकता है, सेल भी हो सकता है, कलेक्ट भी हो सकता है, हो सकता है होल्ड टू कलेक्ट ही हो, लेकिन वैसे ही हमने इसको फ्री एंड में रखा हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका जवाब ज्यादा लंबा होना चाहिए था। मैं अगर स्टूडेंट बनकर सोचूं तो मैं इसका लंबा जवाब ही लिखता, टू बी ऑन सेफर साइड, सारी कहानी लिखता अंदर। कैश फ्लोस यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, क्योंकि बिजनेस मॉडल कैश फ्लो, तो फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कह रहा होगा। एमोर्टाइज कॉस्ट वाले के कैश फ्लोस क्या होते हैं? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के भी यही दोनों होते हैं, यानी उसमें जो नो कंडीशन लिखा है ये गलत है, इसमें भी यही कंडीशन होती है, ये कंडीशन नंबर टू जो है। तो बिजनेस मॉडल ये कंडीशन वन को एक्सप्लेन कर दिया और कैश फ्लो ये कंडीशन टू को एक्सप्लेन कर दिया। तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाले डब्बे में ठीक लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में गलत लिखा हुआ है, यही पहला वाला डब्बा कॉपी होकर यहां आना चाहिए। और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए ये कैश फ्लो की कंडीशन नहीं है, तो ये नो कंडीशन ठीक है। कैटेगरीज, अब कैटेगरीज का वर्ड सिर्फ पढ़ेंगे कि कैटेगरीज किस बात की कैटेगरीज देखें, लेकिन अंदर देखें ना, अंदर बात क्या हो रही है। तो डेट एंड इक्विटी, डेट इक्विटी, इससे क्या पता चल रहा है? वो जो मैंने दो शाखें बनाई थी कि क्लासेस, वो एसेट्स जो दूसरे की डेट है उनकी क्या क्या क्लासेस हैं, और वो एसेट जो दूसरे की इक्विटी है, तो मैंने एक्चुअली ये कैटेगरीज बोल दी थी। तो ये वो पूछ रहा है कि अमोर्टाइज कॉस्ट किस पे लगता है, किसके लिए रेलिवेंट है? बस सिर्फ डेट के लिए। तो इसमें डेट एंड इक्विटी गलत है, बस डेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज इन्हीं को कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह को। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये डेट में भी होता है, इक्विटी में भी होता है, तो हम कहेंगे डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ये भी ऐसे ही डेट में भी होता है और इक्विटी में भी होता है। इनिशियल मेजरमेंट, अमोर्टाइज कॉस्ट वाले की फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन ठीक लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी यही आना चाहिए, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट उड़ जाना चाहिए। सबसिक्वेंट मेजरमेंट, अमोर्टाइज कॉस्ट में तो अमोर्टाइज कॉस्ट ही है, और बाकी दोनों में बस फेयर वैल्यू, प्लस प्लस कुछ नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ये जो प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये डिलीट हो जाना चाहिए। ये है जी सात नंबर का सवाल। अच्छा, आपने ये भी एक सवाल देख लिया पास पेपर का फिर है? हाँ हाँ, उसने आपको कहा है ना, उसने कहा है करेक्टेड समरी बता दे, यानी बनानी समरी है, बस करेक्टेड बता दे, जो इसमें सही है वो सही लिख के बता दे। बताएं, पूछे, ये जो अमोर्टाइज कॉस्ट अगर क्लास हो तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है? एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर होता है, जो वैल्यू होती है उसी को अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर होता है, प्लस पे नहीं, प्लस पे तो इनिशियली मेजर होता है, सिर्फ फेयर वैल्यू पे होता है, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वो भी फेयर वैल्यू पे मेजर होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की काफी सारी प्रैक्टिस कर ली भाई, और ये आपने सवाल भी देख लिए किस लेवल के होते हैं। क्वेश्चन 12 ये हम नहीं, ये नहीं किया। क्वेश्चन 13 हो चुका, अभी 11 भी कर लिया, 10 भी कर लिया, और उससे पहले वाले तो मैंने खुद ही बनाए हैं, पास पेपर के तो यही हैं, तो आसान है ना कि नहीं? हाँ जी आसान है। इसमें जो रीसेंट अटेम्प्ट का है ना, चूंकि सब आप में से अभी रीसेंट एफ ए आर 1 वाले नहीं है, पहले एफ ए आर 2 पढ़ा हुआ है, और कुछ हैं जो पहले भी एफ ए आर 2 पढ़ चुके हैं और लास्ट टाइम एफ ए आर 1 में नहीं थे, तो उन कुछ लोगों ने आईएएस 8 शायद ना पढ़ा हो। अच्छा चले, आप में से कोई है जिसने आईएएस 8 नहीं पढ़ा जिंदगी में कभी? क्यों ऐसे? नहीं, एफ ए आर 2 पहले में तो होता था आईएएस 8, लेकिन लास्ट टाइम में तो आईएएस 8 मुझसे पढ़ा था। अच्छा क्योंकि लास्ट टाइम वाला जो सवाल है, अच्छा बचपन में रेक्टिफिकेशन वगैरह तो पढ़ा हुआ, अगर प्रॉफिट दिया हुआ एरर दिया हुआ कहा है कि इस प्रॉफिट को ठीक कर दें, तो वो जो गलतियां हैं उनको प्लस माइनस कर दिया। चले ठीक है, इसको ना होमवर्क के जरिए डिस्कस कर लेता हूँ। ये सवाल था लास्ट टाइम जो है ना, ये आईएएस 8 के स्टाइल पे पूछा था, प्रॉफिट दिया हुआ था और एसेट्स और लाइबिलिटीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एरर बताए हुए थे। नहीं था तो यही होमवर्क या आईएएस 8 कराते हुए, आईएएस 8 कराते हुए लेट हो जाएगा बहुत, आप भूल जाएंगे। बस ठीक है, होमवर्क है आज का। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट, और उसमें था ये क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रिंग 2022। कल मैंने इसको टीए को कहा था कि कॉपियर के पास रखवा दे, बल्कि मैंने अभी खड़े खड़े आपको ग्रुप में, बल्कि आपसे कल शेयर कर लिए थे आपसे, हाँ कर लिया था, कर लिया था।
स्प्रिंग 22, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो बेटा आईकैप की वेबसाइट डाउनलोड कर लें, स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रही, कर लेंगे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर तो हुआ ना बहुत ज्यादा मसला आपको, तो इसको फिर अभी छोड़ के फिर आईएस 8 में रिवाइज कराऊं, क्योंकि आईएस 8 एफएआर 2 के सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वो बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ मिक्स हो सकता है, और लास्ट टाइम भी मैंने एफएआर 2 पढ़ाया था तो मैंने इसको आईएस 8 को कराया था, तो अभी भी मैं आईएस 8 तो कराऊंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आई तो फिर आईएस 8 कराते हुए कर लूंगा इसको, ट्राई जरूर कर लें। आज का होमवर्क ये स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लें, अगर हो गया तो कल डिस्कस कर लूंगा, अगर नहीं तो फिर इसको आईएस 8 के टाइम पे देखा जाएगा। फाइनेंशियल एसेट्स खत्म, और कल जो मैंने क्लास में एंट्रीज की थी वो वही आपको दोबारा ही करने को कहा था वैसे, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डन। एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बोर्ड पे नहीं बनाए थे, वो बना देता हूं ताकि आप आंसर टैली कर लें। 2021 और 2020 है ना एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई के और एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी के 2021-2020। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट की फिगर लिख लेते हैं पहले, इंटरेस्ट इनकम आएगी 20 में कितनी थी 1259, और 21 में, और कोई इनिशियल रिकग्निशन पे था प्रॉफिट लॉस, मेरा ख्याल नहीं था, नहीं था। फिर उसके बाद इसको बेचा था 21 में और उस पर प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 80, और वो चूंकि सारे दिखा रहे होंगे ना, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला भी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला भी, तो बस एसेट ही लिख दें। इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कितने से, 2020 में 108559, और 21 में तो ये बेच दिया था, ये अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है जी। क्या कर दी थी, हाँ अच्छा, नहीं वो हो सकता है मैंने गलत वाली मिटा के लिख दी हो, मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की एंट्री दोहरा देता हूँ, वो बता रहे मैंने शायद गलत डेट लिख दी थी। 1 जनवरी 20 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 104, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 20 पे ही इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, 31 दिसंबर 20 पे कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 9000, और 31 दिसंबर 20 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन पीएनएल वाला 2000 से शायद, ये 2020 की एंट्री है। उसके बाद अगली एंट्री है 31 दिसंबर 21 पे कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 9000, और फिर इसको बेचते हुए दोबारा अपडेट कर लें इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट जो कि शायद 14000 था, और फिर इसको बेच दिया कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 120000। मेरा ख्याल यही की थी, यही की थी, अच्छा वो 31 दिसंबर, ठीक। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अब चूंकि ओसीआई है तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में वो लाइन भी डालनी पड़ेगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, ट्रस्ट इनकम यही वाली 12408 12059, फिर इसके अलावा ओसीआई में फेयर वैल्यू गेन था और एक में शायद लॉस था कि गेन था, 20 में लॉस था ना, कितना 2559, ये लॉस था, और 21 में गेन था 10592। फिर उसके बाद एक चीज की थी जिसमें रीक्लासिफिकेशन की एंट्री की थी, और ये मैंने आपसे बार बार कहा और काफी उम्मीद से कहा कि ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये जिनके ऊपर से जाए जाने दें, कितना था
8033. इस एंट्री की जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना है कि अब तक जो हम गेंद संभाल के बैठे हुए थे अब उसको रिलीज करके पीएल में फेंक दें, ताकि ये और फिर ये फाइनली फिर मैच कर जाए। क्योंकि कल आपको एक नोट लिखवाया था कि जो इमोर्टाइज कॉस्ट है और जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है डिवेंचर्स वाले, उनमें पीएनएल की आइटम सेम होती हैं। पहले एक बात बताई थी, तो देखिए सेम है। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये सिलेबस से बाहर है, ये नहीं होगी इंशाल्लाह टेस्ट। यानी आपको कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं बताई होगी जिसमें शेयर या डिवेंचर्स बेच दी हो या उनका मौत का वक्त आ गया हो, ये नहीं बताया होगा। इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करते जा रहे होते हैं तो नेचुरली बेचने पे प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सारा फेयर वैल्यू रिजर्व में चला गया हुआ है। तो फिर आईएस कहता है कि वो जो रिजर्व में रखा है ना, अब चूंकि बेच रहे अब उसको उठा के पीएनएल में ले आए, तो जो है हाँ पीएनएल क्रेडिट कर देंगे और फेयर वैल्यू रिजर्व को डेबिट कर देंगे। तो ये वो डेबिट जो हुआ ये यहाँ नेगेटिव आ गया और पीएनएल क्रेडिट हुआ तो ये पॉजिटिव आ गया, और अब ये दोनों फिर दोबारा मैच कर गए, इमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इधर भी पीएनएल में वही कुछ है, इधर भी पीएनएल में वही कुछ है। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आएगी 20 में 106,000 पे और 21 में बेच दी, और फेयर वैल्यू रिजर्व 20 में आएगा नेगेटिव 2559 और 21 में ख़त्म हो गया। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इंटरेस्ट इनकम है 9,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 1500 और फेयर वैल्यू गेन ही गेन है, यहाँ 2000 है और यहाँ 14,000। और यहां पर बस सिर्फ इन्वेस्टमेंट सारे होंगे। ये बोर्ड के आसपास से सेल करा रहे हैं यार, वो जो दूसरे की लायबिलिटी है जी उसी के लिए शेयर्स में मैंने लिखवाया था शैल नॉट बी रिक्लासिफाइड। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की डीरेकग्निशन में मैंने लिखवाया था कि जो क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू गेन है इट शैल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, ये सिर्फ डिवेंचर वाले के लिए है। अच्छा ये जो एक सवाल ये किया ना क्लास में और ये भी सामने, इसका ना मैंने खुद ही एक सवाल बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है, वो उसमे तौफीक है इसी की प्रैक्टिस के लिए, आपका दिल कभी करे जिंदगी में तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 253 पेज पे और 252 के एंड पे, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका दिल करे तो कर लीजिएगा। ये मैंने इसी ये जो बोर्ड पे किया ना इसी की ही शक्ल एक और बनाई, बस वैल्यूज बदली हुई है, तो आप इसको खुद अगर करना जब भी चाहें कर लें। उसके अलावा जितने सवाल बनाए थे 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, नहीं 2 ये भी दिन देंगे कभी दिल करे तो कर लेना। 3, 4 हो गया, 5 कह दिया और 6 लायबिलिटी का है,
हाँ, 6 लायबिलिटी का है, 7 लायबिलिटी का है, 8 लायबिलिटी का है. ये हो गई सर भाई बोर्ड की. फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट्स की हेडिंग थी. फाइनेंशियल एसेट्स बस खत्म हो गए, ज्यादा चीज यही थी. फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं थी बड़ी. फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटीज में क्लासिफिकेशन, फिर मेजरमेंट पे आ जाएंगे. क्लासिफिकेशन, अच्छा इसमें दो ही क्लासेस हैं, एक एमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. और इनके नीचे अंग्रेजी लिखे हैं. फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी क्लासिफाइड financial liability shall be classified as amortized cost however it balki it nahi and however and it ki jagah and however an entity may कॉमा एड इनिशियल रेगुलेशन फिर कॉमा इरेवोकेबली डेजिग्नेट, इरेवोकेबली डेजिग्नेट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, as fair value through P&L to eliminate or significantly reduce an accounting mismatch. अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं. अ फाइनेंशियल लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज अमॉर्टाइज कॉस्ट, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी की डिफॉल्ट क्लास क्या हुई, अमॉर्टाइज कॉस्ट. हाउएवर अगर ये कंपनी चाहे तो ये भी पैदाइश पे कसम खा सकती है. सेम वही बात, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल टू इलिमिनेट और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एन अकाउंटिंग मिसमैच. ये अकाउंटिंग मिसमैच क्या होता है, ये आप अभी नन्हे मुन्ने, इसके लिए आप बस ये अंग्रेजी याद कर लें. ये हो गई क्लासिफिकेशन. अब आते हैं इनिशियल मेजरमेंट पे. अगर क्लास एमोर्टाइज कॉस्ट वाली है और अगर क्लास फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली है, एसेट की इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती थी? अगर ये शाख है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पे. यहां पर हुआ करेगी फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी पे. अच्छा अगर किसी को जरा सा भी सोच के लग रहा है कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे हो सकती है, तो हो सकती है. लायबिलिटी की भी एक फेयर वैल्यू होती है.
क्योंकि हमने ऐसा फेयर वैल्यू नहीं पढ़ी ना, IFRS 13 तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो बस ये पढ़ा था फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू जैसी चीज समझ लें। तो लाइबिलिटी की भी होती है फेयर वैल्यू, होती है ये कोई चीज। और अगर एमोरटाइज कॉस्ट हो तो एसेट्स में क्या करते थे, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अच्छा, इस प्लस की रीजन देखें, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही थी और कैश क्रेडिट हो रहा था, यानी कैश जेब से जा रहा था, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट करते हुए भी कैश जेब से जा रहा था, तो दोनों पेमेंट्स थी, इसलिए दोनों को मिला के एसेट की कॉस्ट क्या दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर खरीद रहे हैं के इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। डिबेंचर इशू करने से क्या होगा, कैश आएगा, कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट अब भी कैश जाएगा। तो डिबेंचर इशू करने पे कैश आ रहा है जबकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कैश जा रहा है, तो अब ये नेट हो जाएगा, यानी फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और ये माइनस ये डैश ही ना बन जाए तो लेस लिख देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लेस वाली जब डिबेंचर इशू करेंगे तो कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, पैसा जेब में आएगा, 1,00,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर लिए, 1,00,000 कैश मिला, और जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी तो कैश जेब से जाएगा, 1,500 रुपए जेब से चला गया, तो एक कैश आ रहा है एक कैश जा रहा है, दोनों ऐड थोड़ी हो सकते हैं। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स इन दोनों में नेट कर लें तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुए, 1,01,500 पे या 98,500 पे, तो वो 98,500 कैसे बना, दिस माइनस दिस, क्यों, जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है उसको भी खर्चा करना पड़ता है, कोई ब्रोकर होगा कोई और एजेंट होगा जो कहेगा हम आपके डिबेंचर इशू करवा देते हैं, लोगों से पैसा दिलवा देते हैं आपको, तो उसकी भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, बिल्कुल होगी, तो जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी तो उसकी जेब से पैसे जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है एमोर्टाइज क्लास हुई तो वो डिबेंचर में डेबिट जाना है, ताकि इन दो एंट्रीज का नेट, डिबेंचर इनिशियली किस पे मैयर हो जाए, मैं भी वही बता रहा हूं ना, इन दोनों ट्रांजेक्शन का नेट करें तो डिबेंचर किस अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ, 1,00,000 से, 1,01,500 से या 98,500 से, तो ये वो दो एंट्रीज इसका जवाब है कि अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है जो कि बाय डिफॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो इनिशियली इस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट का डेबिट डिबेंचर में ही जाना चाहिए, और अगर इधर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो रही हो तो वो एक्सपेंस बना लेंगे, लिख लें नीचे नोट कि इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर होगी वो पीएनएल में जाएगी, है इसमें नहीं है, है क्यों नहीं है, अच्छा एसेट्स में क्यों थी, वहां क्यों थी ये असल में ना ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना इसमें कई चीजें जो हैं वो मेरी भी पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनेशनली बहुत एडवांस चीजें हैं, पाकिस्तान में इतनी चीजें हैं नहीं, जबकि स्टैंडर्ड उन सबको सामने रख के बना हुआ है, जैसे हेजिंग, नहीं नाम सुना पहले कभी, हेजिंग की हद तक सीफैप में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे, डेरिवेटिव्स, ये बहुत अजीब अजीब तरह के और दुनिया में इतने एडवांस नाम हो चुके हैं जो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो मेरे भी इल्म में नहीं है, तो होगी बुजुर्गों ने बनाया होगा तो सोच के क्या होगा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई नहीं है, कौन सी नहीं, इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट शैल बी रिकग्नाइज एज एक्सपेंस, अच्छा एक नोट और लिखवाया था फाइनेंशियल एसेट्स की इनिशियल मेजरमेंट में, ये कहा था कि अगर परचेज प्राइस वगैरह जो सवाल में दी हुई है वही फेयर वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, अगर फेयर वैल्यू कम ज़्यादा हुई तो वही नोट इसके लिए भी रिपीट कर लें कि जितने पे शेयर जितने पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं जितने पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं जो डिबेंचर्स की इशू प्राइस है बाय डिफॉल्ट वही फेयर वैल्यू होगी,
डिबेंचर्स जितने पे इशू कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट वही फेयर वैल्यू होगी, लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू से डिफरेंट हुई तो इनिशियल रिकग्निशन पे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, वही जैसे एसेट्स में था। जितने पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट वो फेयर वैल्यू ही होगी, लेकिन अगर कोई डिफरेंट हुई तो इनिशियल रिकग्निशन पे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अच्छा, मैं इसकी अंग्रेजी तो लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप अंग्रेजी याद कर लें, एमसीक्यूज में काम आ सकती है, वैसे थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, लेकिन अंदर की बात यह है कि सब वैसे ही है जैसे अमॉर्टाइज कॉस्ट हम एसेट में करते थे, बस सिर्फ नाम उलट होने लगे हैं। वहाँ पर कैश मिल रहा था, यहाँ कैश जा रहा होगा, वहाँ इंटरेस्ट इनकम होती थी, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, बाकी सब कैलकुलेशन बिल्कुल वही है। क्या क्या ये जो मैंने वहाँ एसेट्स में भी लिखवाए थे दोनों वही नोट रिपीट कराए, मैंने कहा है कि जितने पे डिबेंचर इशू किए हैं बाय डिफॉल्ट वो फेयर वैल्यू ही होगी, अगर वो डिफरेंट हुई तो फिर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ना नेचर रिकग्निशन। नहीं नहीं दोनों के लिए भाई, फेयर वैल्यू ना, फेयर वैल्यू। वहां भी मैंने किसी एक के नीचे तो नहीं लिखवाया था नोट, दोनों ही लिखवाए थे। वहां पर इनकम का वर्ड था, यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। सवाल लिखें, ऑन 1st January 2020 ये अंग्रेजी नोटेड, अच्छा लिख लें लिख लें। कौन सी कंडीशन? नहीं ना लिखवाया तो है मैंने, अरे इससे पहले क्या लिखवाया मैंने, पढ़ो अंग्रेजी। इनिशियल मेजरमेंट से पहले मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है, उसमें दो पॉइंट्स लिखे, अमॉर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फिर क्या अंग्रेजी लिखवाई है कि बाय डिफॉल्ट अमॉर्टाइज कॉस्ट है, कंडीशन मेंशन कोई नहीं है इसमें, नहीं है वो कंडीशन होल्ड वाली और कैश फ्लो वाली, इसमें लायबिलिटी है ही अमॉर्टाइज कॉस्ट पे, सिर्फ अगर कंपनी खुद कसम खा ले पैदाइश पे फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, वरना अमॉर्टाइज कॉस्ट है। लिख लिया ऑन 1st January 2020 On 1st January 20, company issued ब्रैकेट में लिखे नॉमिनल वैल्यू 50,000, नॉमिनल वैल्यू 50,000 रुपए, बस ब्रैकेट बंद। शुरू से बता रहा हूं दोबारा, ऑन 1st January 20 कंपनी इश्यूड
10% डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर ब्रैकेट में लिखवाया जिनकी नॉमिनल वैल्यू 50,000 है ब्रैकेट बंद, एट अ प्रीमियम ऑफ, एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, 8% ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड 600 रुपए, 600 जी, 600, 600 डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 साल, डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8.848% रिक्वायर्ड है मुझसे जनरल एंट्रीज 3 साल की और एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट 3 साल के. ट्रांजेक्शन कॉस्ट बता दी ना, फर्स्ट जनवरी 20 डिबेंचर्स इशू किए 50,000 के, लेकिन कितने प्रीमियम पे, 8% प्रीमियम पे है जी, बाय डिफॉल्ट मॉर्टेज कॉस्ट ही होती है, 8% महंगे, 8% महंगे, 54,000 डिबेंचर्स क्रेडिट. फाइनेंशियल एसेट खत्म हो गए हैं, लाइबिलिटीज पढ़ रहे हैं हम, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इशू कर दिए डिबेंचर्स. ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हुआ, हाँ क्यों, अभी तो इनिशियल मेजरमेंट पड़ी है, अभी तो पड़ी यार, अभी भी दरअसल में टाइम है ना, यहाँ से डिवेंचर्स कितने से क्रेडिट होगा, फेयर वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू वही है जितने के इशू किए, क्या जी नॉमिनल वाली क्यों दी है यार, अब तो खत्म कर दिया चैप्टर, ऐसे तो ना करो, नॉमिनल वाली क्यों दी है भाई, कूपन निकालने के लिए, कूपन निकालने के लिए, प्रीमियम निकालने के लिए, इसलिए नॉमिनल, अब तो खत्म कर रहा हूँ मैं चैप्टर, ये भी देखो मैंने आखिरी दिन वैसी बातें कर रहा यार मैं... वो तो देखो सेंटी करते हैं, बात बताता हूं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी, डिवेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट 600. मैं तो एसेट्स में भी एंट्री अलग अलग करता था, वो तो वैसे एज अ रूल था कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट या फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एंट्री तो वहां भी अलग ही कर रहा था मैं. अगर आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट की नेट एंट्री करनी है तो तब भी कह रहा था कर ले बेशक नेट एंट्री करनी है, तो अलग मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आप इस अलग करने की आदत रखते हो. अगर आपने नेट रखने की आदत की होगी ना तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी आप कहीं नेट कर जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको अलग रखवाया था, वरना एज अ रूल इनिशियल मेजरमेंट कितने पे है, दिस माइनस दिस, एंट्री अलग हो रही है इसलिए दो अलग अलग नजर आ रहे हैं. मैं तो अच्छे टर्म्स पर खत्म करना चाह रहा था चैप्टर. उसके बाद ईयर एंड पे वहां करते थे दो काम, इंटरेस्ट इनकम बनती थी और कैश मिलता था, यहां इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा और कैश पे होगा. 31 दिसंबर 20 वहां थी इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यहां पर
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा और डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे। टेबल से पता चलेगा। और इसी दिन डिबेंचर्स डेबिट, वहां होती थी कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, अब उलट डिबेंचर्स डेबिट और कैश क्रेडिट पेमेंट हो रही है। कूपन पेमेंट कितनी? 5,000, क्योंकि 10% कूपन है। यही दोनों एंट्रीज अमाउंट बदल के 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022। इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट वो तो वैसे एज अ रूल और इस टेबल के लिए याद रखनी है, वरना एंट्री तो मैंने एडवाइस ये की है कि आप अलग अलग करिए। अब टेबल में एज अ रूल इनिशियल मेजरमेंट कितने पे, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वहां प्लस था यहां माइनस, यानी 53,400। लगाइए 8.484 4725 और कैश 5,000। इकतीस दिसंबर 2021 4725 5,000 5,000 5,2 8,26 और 31 दिसंबर 22 5,2 8,26 4,6 7,4। और आखिर में एक तो ये कूपन पे हो रहा है और रिडेम्पशन पे क्या जा रहा है, 50,000 प्लस 5% यानी 52,500 जा रहा है। 5,752 एंट्रीज कर लें पूरी 21 की भी 22 की भी। पूछ लो यार, चल मान ही
दे दो, पढ़ाता रहूंगा साथ साथ करते रहना, ये साथ साथ फिल करते रहना, अभी ध्यान बोर्ड पे रखना, नहीं वहां भी रखना लेकिन साथ साथ फिल करके देने। नोटेड। वो दो एंटीज, दो साल की एंटीज और कर लें, 31 दिसंबर 2021 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिवेंचर्स क्रेडिट। ये अमॉर्टाइज कॉस्ट है। अच्छा बल्कि ना वो जो होमवर्क दिया है ना वो रहने दें, क्योंकि जो आई के एफ का सोल्यूशन है ना उसमें ब्रैकेट ब्रैकेट में ही सर कैलकुलेशन समझाएंगी है, तो मुझे वो ज़्यादा डिस्कस करना पड़ जाएगा। मैं ना उसका आज सोल्यूशन बना के कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन सोल्यूशन हो, कि जो प्लस हो रहा है वो क्या प्लस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है वो क्या माइनस हो रहा है, तो फिर आपको उम्मीद है फिर डिस्कशन की जरूरत ही ना पेश आए। तो वो आज रहने दें, मैं सोल्यूशन बना के आपको दे दूंगा, वो कल का होमवर्क रख लेंगे। ओके, आज का होमवर्क आप वो कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी भाई। ठीक है, नोटेड, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं, पेज 254 क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। हाँ जी, इस क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट भी थे। और उनका डिफरेंस 2 इस सवाल के एक्सट्रैक्ट्स। देखें, चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश इंपॉर्टेंट कैश ये नहीं कह सकता क्योंकि कभी टेस्ट नहीं हुआ,
लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है तो लीजेस की तरह जब हमें पता है पैसे देने हैं तो फिर करंट लायबिलिटी में आएगा, इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट को तो तोड़ें। अभी तक टेस्ट नहीं हुई है चीज़, इसलिए कह नहीं सकता कि एग्जामिनर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लीजेस में ना करंट नॉन करंट तोड़ने का तरीका बताया था। हम यहाँ खड़े हैं और कहा था कि अगर अगला बैलेंस कम हो रहा है तो ये वाला नॉन करंट में लिखें और इनका डिफरेंस करंट में लिखें। ये किया क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें, छोटा सा सवाल है, इसको मैं बोर्ड पे कर देता हूं ताकि और तादाद बढ़ जाए सवालों की। है कोई बात नहीं यार, ये कोर्स भी बड़ा जरूरी है ना। क्वेश्चन 12 तो पढ़े ना। क्वेश्चन 12 पढ़े ना, फिर रिकॉर्ड टाइम में 5 मिनट में एक सवाल करते हैं। यार को लिफ्टी नहीं करा रहा मेरी बात को, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 12 दो कंपनीज का सवाल है, जेएल और केएल दोनों की बुक पूछी नहीं है। जेएल के लिए ट्रांजैक्शन क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि जेएल इश्यूड डिबेंचर्स तो उसकी ये लायबिलिटी है। और जेएल लास्ट लाइन, जेएल फॉलो करता है अमोर्टाइज कॉस्ट, ना भी कहते तो ये बाय डिफॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट ही होता। और केएल के लिए ये इन्वेस्टमेंट है और केएल फॉलो करता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। और पहले ही साल की दोनों की बुक्स की एंट्रीज कही है। पहले ये डिबेंचर्स लायबिलिटी वाले की देखते हैं। इसमें स्टूडेंट गलती ये कर उम्मीद है कर गया होगा कि तादाद का ध्यान नहीं किया होगा, नंबर का ध्यान गलत कर गया होगा। जब जेएल एंट्री करेगा तो जेएल ने तो जितने डिबेंचर इशू किए हैं उन सबकी एंट्री करेगा, लेकिन केएल ने वो सारे नहीं खरीद लिए। जेएल की बुक्स की बात करते हैं पहले। फर्स्ट जनवरी 19 को कैश डेबिट डिबेंचर्स क्रेडिट, ये हो गए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसने उधर लिखिएगा, इसने कितने डिबेंचर इशू किए? 1.6 मिलियन, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी और इशू भी इसने 100 पे किए, नहीं सॉरी इशू किए 110 पे एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपए ईच। तो 110 रुपए के इसने इशू किए और 5.5 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो 1.6 मिलियन और 110 रुपए का एक। और इसी दिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री, डिबेंचर्स डेबिट और कैश क्रेडिट जो कि 5.5 रुपए। और बार बार कहता आया हूँ आप ये एंटी कंपाउंड बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अलग सिर्फ ये रखी थी कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में बच्चे गलती कर जाएं, इसकी अलग रखी थी। अगर आप नेट करके बिल्कुल सही कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, नेट करिए। 5.5 रुपए इंटू 1.6 मिलियन डिवेंचर्स 8.8 मिलियन। और एक ही साल की एंट्रीज कही हैं तो पूरा अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप ब्रैकेट में इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितना है इफेक्टिव रेट? दो दो कंपनीज का डाटा दिया हो ना तो फिर एहतियात करनी होती है, फिर फिगर इधर उधर कर जाते हैं। जेएल का इफेक्टिव रेट कितना है? 15%। तो उस 15% पे बजाय इसके कि आप अलग से टेबल बनाएं, यहीं से हमें नजर आ रही है अमाउंट 31 दिसंबर 2019, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिबेंचर्स क्रेडिट इंटरेस्ट फॉर 2019।
अच्छा डिवेंचर्स इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड कर लिए? 1768.8 पे ना, ये अब इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट है। इस पे लगेगा क्या है 15.2508। अगर आप टेबल बनाए तो इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट यही तो होगी, और पहली लाइन चाहिए थी बस, तो ना करें ब्रैकेट में रेट लगा दें 15%। और लास्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना है कूपन रेट फेस वैल्यू पे, कूपन रेट कितना है डिवेंचर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। $1.6 million डिवेंचर्स हैं और 100 रुपए पे कितना कूपन है, तो 16 रुपए कूपन हो गया। 25.6 नहीं, ये जेएल की बुक्स होगी। KL की बुक्स, KL के लिए ये सब क्या है इन्वेस्टमेंट है और फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली इन्वेस्टमेंट है। तो 1 जनवरी 2019 इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, अच्छा अब यहां पर 1.6 मिलियन नहीं है, अब 0.32 मिलियन है और उसने ये 0.32 मिलियन कितने के खरीदे ये तो नहीं बताया, तो वही ऊपर वाला ही है ना। देखें जेएल ने 100 रुपए का डिवेंचर 110 रुपए पे इशू किया और उसके बाद लिखा है कि केएल ने इनसे इतने खरीद लिए, तो उसने वही 110 के लिए होंगे, तो इनटू 110 इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं बताई तो नहीं है, कितनी होगी पॉइंट। और चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो जो कूपन मिलेगा वो वही इंटरेस्ट इनकम, कितना कूपन मिला 16 रुपए, 5.1 और फेयर वैल्यू थ्रू P&L है 110 रुपए पे रिकॉर्ड किया था, अब ईयर एंड पे आके 112 पे अपडेट करना है, 2 रुपए का आ गया गेन। इन्वेस्टमेंट मजीद डेबिट और OCI नहीं है ये, P&L 2 रुपए का गेन डेबिट, 0.32 मिलियन इनटू 2 रुपए पॉइंट ले जी, आगे 7 नंबर ये फास्ट पेपर का एक सवाल रह गया, नहीं वो तो 21 है बस, इसका बस स्प्रिंग 22 ही रह गया, बाकी देखें सारे फास्ट पेपर वाले हमने कर लिए, तो ये आसान टॉपिक। कल ना इसका मैं एक एहतियातन एक चीज कराना चाह रहा हूं, है तो उसकी अंग्रेजी ही, और आईकेएफ की बुक ने भी इसको लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि वो काफी एडवांस लेवल का है, उसकी अंग्रेजी लिख के एहतियातन एक सवाल बता दूंगा मैं बस एहतियातन, फिर खत्म है कल इंशाल्लाह हम लोग है MCQs कल ही करना है तो कल ही कर लेंगे, क्योंकि आपने टाइम लेके देखने तो होते नहीं है, वो तो यही देखने होते हैं शो जो चलता है, तो ठीक है कल ही। चलो ठीक है कल फैसला करेंगे, अगला IAS पर इंशाल्लाह कल शुरू कराता हूँ और अगला IAS हम गाय भैंसे बेचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अल्लाह हाफिज़।